हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी स्ट्रिंग से डुप्लीकेट नेम्स को हम फिल्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पर आपका जो नेम है इसके अंदर कुछ हमारी वैल्यूज स्टोर्ड हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जावा, पाइथन, PHP, सी, ये हमारा डुप्लीकेट्स हैं। तो हमें इनको इनको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हम इस नेम की को कैसे एक्सेस करेंगे, पेलोड डॉट नेम। तो आप देख सकते हैं कि इस नेम की के अंदर हमारी क्या थी, ये वैल्यू थी एक स्ट्रिंग, तो ये हमें गेट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको हम क्या, हमारे पास एक फंक्शन है स्प्लिट बाय। स्प्लिट बाय फंक्शन जब हम इस पर लगाएंगे तो स्प्लिट बाय क्या करता है, देखिए हमें यहाँ पर पास करना होता है एक डेलीमीटर जहाँ से आप क्या चाहते हैं, अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को जो स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्पेस से स्प्लिट करना चाहता हूँ कि मेरी ये जो स्ट्रिंग थी जहाँ जहाँ पर स्पेसेस है वहाँ से स्प्लिट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं अभी करूँगा अभी इस ये एक एक करेक्टर स्प्लिट हो गया, जैसे मैं इसके बीच में स्पेस दूंगा तो ये क्या इसका मतलब है, जैसे जावा के बीच में एक स्पेस है एंड पाइथन और सी के बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस से स्प्रिंग आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो गई। और ये आपको क्या देता है, स्प्लिट बाय फंक्शन एरे देता है, एक क्या देता है एरे। अब क्या, अब ये जो स्ट्रिंग है एक एरे बन गया हमारा, क्या है हमारे पास एक एरे मिल गया हमको जहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, ये स्ट्रिंग नेम्स है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, इन नेम्स में से, इस एरे में से क्या करना है, फिल्टर करना है डुप्लीकेट नेम्स। तो ये जो एरे मिली है हमारे स्ट्रिंग्स की, इसमें से डुप्लीकेट जो नेम्स है उनको फिल्टर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिल्टर, लाइक फिल्टर नहीं, हम क्या करेंगे डिस्टिंक्ट बाय यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिस्टिंक्ट बाय यूज कर लेंगे, और ये हमको क्या देता है, यूनिक नेम्स प्रोवाइड कर देगा। तो हम किस पर लगा देंगे, डिस्टिंक्ट बाय आइटम्स पर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें क्या दिया है, डुप्लीकेट जो नेम्स थे उनको रिमूव करके यूनिक वैल्यूज दे दिए हैं एक एरे की फॉर्म में, राइट। जावा, पाइथन, सी, PHP एंड C++। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल जहाँ पर हमने देखा कि कैसे किसी स्ट्रिंग से हम डुप्लीकेट नेम्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए हमने स्प्लिट बाय फंक्शन का यूज़ किया। तो स्प्लिट बाय फंक्शन ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया इस स्ट्रिंग को वहाँ से जहाँ पर स्पेसेस थे। तो स्प्लिट बाय फंक्शन ने हमको स्प्लिट करके एक एरे की फॉर्म में आउटपुट दिया था जिसमें कि आपके डुप्लीकेट्स भी थे। तो मैंने उस एरे पर डिस्टिंक्ट बाय फंक्शन को कॉल करके उसमें से यूनिक नेम्स फिल्टर आउट, यूनिक नेम्स गेट कर लिए, राइट। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो क्या हो गई, फिल्टर हो गई। तो आप यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस से आप क्या करेंगे, इसको रैप कर दें पेलोड डॉट नेम को। अगर आप रैप कर देंगे तो भी आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है, राइट। तो ये था हमारा एक सिंपल सा डेटा व्यू एक्सरसाइज, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। और आप को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।